नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे चने दाल से बना हुआ लड्डू, जो बहुत ही टेस्टी खाने में है। आसान तरीके से घर पे आप बना सकते हैं इसको। आपको एक तोड़ करके लड्डू दिखाएं, कितना बढ़िया हमारा लड्डू बना हुआ है। एकदम सॉफ्ट है, जैसे छोटी बूंदी वाला लड्डू रहता है मोतीचूर का, उसी तरह से यह लड्डू बन करके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं इसके दाने। तो दोस्तों, इस तरह का लड्डू चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने लड्डू बनाने के लिए भिगो कर ले लिया है चना दाल, इसे हमने रात भर के लिए भिगो दिया है। आप अगर लड्डू बना रहे हैं तो 6-7 घंटे पहले भी इसे भिगो सकते हैं। आप देख सकते हैं अच्छे से यह फूल चुका है, इस तरह से एकदम फूला होना चाहिए दाल। हमने इस कटोरी से एक कटोरी भर करके दाल लिया है। हम आपको नाप भी बता रहे हैं ताकि हमारा लड्डू बहुत ही परफेक्ट बने। इसको हमें पीसना है तो हम ले लेते हैं मिक्सर जार। इसमें दाल को हम डाल देते हैं। दाल को हमें दरदरा पीसना है। दाल को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से धुल लिया है 2 से 3 पानी। आप अच्छे से दाल को धुलें। हमें इसका दरदरा पेस्ट बनाना है। थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब पानी, ताकि दाल हमारी अच्छे से पीसे। तो चलिए पीस करके आपको दिखाते हैं। हमने दाल को पीस लिया है, दरदरा दाल को हमने पीसा है। बहुत ज़्यादा हमने पेस्ट को पतला नहीं किया है, क्योंकि हम इसकी बनाएंगे पकौड़ी। एक एक दाल भी दिख रहा होगा आपको, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दरदरा हो आपका पेस्ट। इसमें अब हम डाल देंगे 2 चम्मच रिफाइंड तेल। इसको अच्छे से मिला लेंगे। हम हाथों से इसे अच्छे से मिला रहे हैं। हमने इसको अच्छे से मिला दिया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने रख दिया है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है रिफाइंड तेल। तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हाथ में हमने लगा लिया है थोड़ा सा पानी। थोड़ा सा हम चने का पेस्ट इस तरह से उठाएंगे, तो इसको हम टिक्की का शेप देंगे इस तरह से, थोड़ा पतला ही देंगे। अब डाल देंगे इसको कढ़ाई में। और ऐसे टिक्की बना बना करके हम कढ़ाई में डालते जाएंगे। दोस्तों, आप इस तरह से एक बार चने के दाल का लड्डू एक बार जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही बढ़िया बनता है बिल्कुल। इनको हम मीडियम आंच पर तलेंगे, क्योंकि हमें इन टिक्कियों को कुरकुरा करना है। यह ब्राउन हो चुका है और कुरकुरा भी, इसे निकाल लेते हैं अलग प्लेट में। हमने टिक्की को छान करके निकाल लिया है, बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है। आपको तोड़ करके दिखाएं, देखिए इस तरह से। थोड़ा सा यह अभी गर्म है, थोड़ा और ठंडा होगा तो और क्रिस्पी हो जाएगा। तो थोड़ा सा 5 मिनट इसे ठंडा होने देते हैं। थोड़ा सा यह ठंडा हो चुका है। सारे टिक्की को हम तोड़ करके रख लेते हैं इस तरह से। इस तरह से आप टिक्की छानिए ताकि अच्छे से कुरकुरी हो जाए। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसे तोड़ लिया है। अब हम ले लेते हैं मिक्सर जार। तोड़ी हुई टिक्कियों को हम इसमें डाल करके पीसेंगे दरदरा। तो पीस करके पहले आपको दिखा देते हैं। हमने इसको पीस लिया है, बहुत ही इजी तरीके से पीस जाता है। देखिए एकदम दरदरा हमने इसको पीसा है। इसी तरह से सबको हम पीस लेते हैं। इसको निकाल लेते हैं अलग बर्तन में। सारे टिक्की को इसी तरह हम दरदरा पीस लेंगे। हमने सबको पीस करके तैयार कर लिया है। देखिए एकदम दानेदार है, इसी तरह आपको पीसना है। चलिए चलते हैं गैस की तरफ। हमने रख दिया है गैस पर कढ़ाई, वही कढ़ाई हमने रखा है जिसमें हमने टिक्कियों को तला था। तेल हमने निकाल दिया है। अब हम ले लेंगे चीनी चाशनी बनाने के लिए। इसी कटोरी से हमने इतना ही भर करके लिया था चना दाल, उतना ही हम चीनी लेंगे। इसी नाप से आप बनाएंगे तो आपका लड्डू बहुत ही परफेक्ट बनेगा। और इसी कटोरी से हम लेंगे 1 कटोरी पानी। आप कोई भी बर्तन नाप के लिए ले सकते हैं, गिलास भी ले सकते हैं, कटोरी भी ले सकते हैं।
अगर आपके पास मेजर कप हो वो भी ले सकते हैं। अब इसकी हम चाशनी तैयार करेंगे। चीनी को घुलने देते हैं। चिपचिपी चाशनी हमको चाहिए, तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। 5 मिनट चाशनी को हम धीमी आंच पर बनने देते हैं। 5 मिनट हो चुका है चाशनी को पकते हुए, चेक करके आपको दिखा देते हैं। इस तरह से आप थोड़ा सा लीजिए चम्मच में और इस तरह से उंगली में लगाइए और देखिए इस तरह से चिपचिपी लगेगी चाशनी आपको, तो इस तरह से हमको चाशनी चाहिए। जितना पानी और जितना चीनी हमने डाला है उतना ही आप नाप से डालिए, उतना ही चना डाल लीजिए, बहुत ही परफेक्ट बनेगा लड्डू। अब हमने ले लिया है फूड कलर, हमने रेड कलर डाला है, आप येलो भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे तरबूज के बीज, अगर हो आपके पास तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें। फ्लेवर के लिए आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। गैस को हम बंद कर देते हैं, मिला देते हैं इसको और इसी गरम चाशनी में गैस बंद करने के बाद हम डालेंगे पिसा हुआ यह चना दाल। और सभी को मिला देंगे। अभी आपको चाशनी ज्यादा दिख रही होगी लेकिन अभी थोड़ी देर में यह सोख लेगा चाशनी को। थोड़ा ठंडा होने देते हैं इसको हम। देखिए जैसे जैसे ठंडा होता जाएगा चाशनी हमारी इसमें घुलती जाएगी, तो हाथ से छूने लायक हो जाए तब हम इसका लड्डू बनाएंगे। अभी बहुत गर्म है तो थोड़ी देर छोड़ देते हैं इसी तरह ठंडा होने के लिए, ताकि हम लड्डू अच्छे से बना सके। इसका लड्डू का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें हम डाल देंगे देसी घी थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा हमारे लड्डू में। मिला देंगे इसको। हाथ से छूने लायक हो गया है, अब थोड़ा सा हम घी लगाएंगे हाथ में और लड्डू बना लेंगे अपने मनपसंद साइज का। देखिए कितना बढ़िया हमारा लड्डू बनकर के तैयार हुआ है। इसको रख लेते हैं अलग प्लेट में। लीजिए दोस्तों, तैयार है हमारा बनकर के बहुत ही टेस्टी लड्डू। मार्केट से भी अच्छा बना हुआ है यह हमारा लड्डू। एक लड्डू आपको तोड़ करके दिखाते हैं कितना बढ़िया है, खाने में उतना ही स्वादिष्ट। जो छोटी छोटी बूंदी का लड्डू आता है मोतीचूर वाला, वैसा ही लड्डू यह बनकर के तैयार हुआ है। देखिए एकदम दाने दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस तरह से आप चने दाल का लड्डू बनाइए और खाइए। अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे हमारा नया नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।